हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केटू एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं टॉप 20 एमसीक्यू जो कि साइंस का है, और आज के क्लास में जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आज का क्लास है वो पार्ट 6 है। इससे पहले कि आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और चलिए सबसे पहला प्रश्न है आज का, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaOH2 CaCO3 CaO Ca। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए Ca, यह जो है वह कैल्शियम है। इसके बाद इसके ऊपर देखिए CaO, यह जो है वह चूना होता है, CaO चूना होता है। और CaOH2 यह बुझा हुआ चूना होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो CaCO3 होता है यह होता है संगमरमर। CaCO3 को संगमरमर बोलते हैं या फिर चूना पत्थर भी बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है, या फिर चौक होता है, यानी कि आप लोग देखे होंगे कहीं पर लिखा हुआ खाड़िया जिसको बोलते हैं हिंदी में, चौक हो गया या फिर संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, उसका रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक समीकरण होता है वह अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। जैसे मान लीजिए कि HCl जो है यह रासायनिक समीकरण है, और इसका जो यह संक्षिप्त रूप किसका है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह संक्षिप्त रूप है, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है वह संक्षिप्त रूप होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण, उत्तल या समतल दर्पण, उत्तल एवं समतल दर्पण, समतल दर्पण ए व बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए जो दाढ़ी बनाने में काम आता है वह अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जो है वह छोटा प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, छोटा प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और जो दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का भी उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए समतल के साथ उत्तल है। अगर यहाँ पे स्पेशल मान लीजिए केवल समतल होता और यहाँ पे अवतल होता तो हम ए और बी दोनों कर देते, यानी कि अवतल और समतल दोनों कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में उत्तल दिया हुआ है। अगर अवतल और समतल अलग अलग दिया है ऑप्शन में तो आप लोग हमेशा अवतल को ही टिक करेंगे, क्योंकि NCERT बुक में भी अवतल का ही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, कॉपर, सल्वर या फिर हीरा। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि जो ग्रेफाइट है यह विद्युत का सुचालक होता है, और यह एक अधातु है, और ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का एक अपरूप हीरा होता है, और कार्बन का दूसरा अपरूप जो है वह ग्रेफाइट होता है, लेकिन कार्बन के ही अपरूप हीरा है जो कि सुचालक नहीं कुचालक होता है, यह कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह सुचालक होता है, इसको में विद्युत का प्रवाह होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसको निर्गत कोण बोलते हैं। निर्गत कोण यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ से आपतन कोण आता है और यहाँ से जो है वह निर्गत हो जाता है, तो इस कोण को यहाँ पे बोला है, इसको निर्गत कोण बोला। अगर जो यहाँ पे निर्गत किरण की जगह पे परावर्तित किरण यहाँ पे आता है, दर्पण यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ से आता है और इधर चला जाता है, तो इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्गत किरण है इसलिए निर्गत कोण हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर समतलो अवतल लेंस। तो बाहर की ओर यहाँ पे देखिए एक इधर के है और एक इधर के है, बाहर की ओर हो या तो यह जो लेंस है वह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अगर अंदर की ओर बोलता तो यहाँ पे देखिए अंदर की ओर इस तरह से होता है, यह अवतल लेंस होता है, यह उत्तल लेंस और यह जो है वह अवतल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है और आज के क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा आज के क्लास को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसको मैं एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट है यहाँ पे जो अभिक्रिया करता है, या जिंक जो है यह कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर यहाँ पे बन जाता है या विस्थापित कर देता है। इसके बाद हम अवक्षेपण अभिक्रिया इसको बोलते हैं, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जल का निर्माण करता है, यहाँ पर जल का निर्माण करता है, दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, इसको संयोजन। अगर एकल उत्पाद दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए मुँह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सकता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अम्लीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन या फिर सभी। सबसे पहले कि जो मुंह का पीएच मान होता है, वह मुंह जो है वह अम्लीय रहता है, मुंह जो है अम्लीय होता है, और जो मुंह का पीएच मान है वह 5.5 से अगर कम हो जाता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर जो मुंह जो होता है वह अम्लीय होता है, और अम्लीय जो होता है इसको अगर जो क्षारकीय दंत मंजन मिला दिया जाता है, तो अम्ल और क्षारक मिलकर उदासीन हो जाता है, अम्ल और क्षारक मिलकर उदासीन हो जाता है, तो अम्ल यहाँ पर क्षारकीय दंत मंजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है वह 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या फिर SE, क्या हो जाएगा बतलाइए। तो वह कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है, तो यह जो है वह आयोडीन, आयोडीन है जो कि चमकीला होता है, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर या फिर गोल्ड, इनमें से कौन जो है जो अधिक अभिक्रियाशील है। और यहाँ पे देखिए यह जो है NCERT में यह एक सारणी दिया हुआ है, सारणी 3.2 में है, सक्रियता श्रेणी यहीं पे देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद घटते हुए अभिक्रियाशील, फिर सबसे कम अभिक्रियाशील। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे उसका अभिक्रियाशील घटता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉपर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कॉपर है, उसके बाद मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका अभिक्रियाशील घटेगा, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोला है तो इसका कॉपर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा इसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, और इसका PDF आप लोगों को हम टेलीग्राम पर दे देंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF और नोट्स मिलता है, और कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पर ही दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्विनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन, तो इसको क्या कहते हैं। और इससे पहले आप लोगों को बतला देते हैं कि डेली यहाँ पे डेली क्लास हो रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलिए बतलाइए इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, और मजाक नहीं, जितना भी क्लास कराने के लिए बोले हैं 1000 जो MCQ हम लोग अभी करेंगे इस सीरीज में, MCQ हम लोग जो करेंगे 1000, इसी में से आपका क्वेश्चन 100% आने वाला है, 100% आने वाला है क्वेश्चन यहीं से, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग
देखेंगे लास्ट तक। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, बतलाइए यहाँ पे। Na2ZnO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2, NaOZnO2 प्लस H, Na2ZnO2 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम जिंकेट यहाँ पे देखिए Na2ZnO2, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, प्लस H2 बनाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर अन्य, यहाँ पे बतलाइए क्या होता है, बतलाइए। तो मधुमक्खी जब डंक मारता है तो यहाँ पे अम्ल छोड़ता है, तो इसके लिए कौन सा लाभकारी होता है, बेकिंग सोडा यहाँ पे लाभकारी होता है। और बेकिंग सोडा का आप लोग बतलाइए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। आप लोग सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक जो है इसको आप लोग रासायनिक सूत्र, इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन 100%। इससे क्वेश्चन बाहर कहीं से नहीं आने वाला है, हम पूरा NCERT कवर कर लेंगे। अभी तो क्लास की शुरुआत ही हुआ है, आप लोग समझिए अभी बहुत बाकी है क्लास, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है, CO2, N2, H2 या फिर SO2, कौन सा बनता है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को यहाँ पे याद होगा, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पे देखिए, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे यह धातु है और यह अम्ल है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का बतला दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का बतला दीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर करने में कुछ नहीं लगता है, बस आप अपने दोस्तों के भी सहायता कीजिए, अपना तो सहायता हो ही रहा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, एक नियम, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के दो दो नियम हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, एक बार बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ए व बी दोनों, यानी समतल और अवतल दोनों में, या फिर उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, सभी को देखेंगे हम लोग, पूरा डीप में देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, सबसे पहला कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब एक उत्तल में भी बनता है और एक अवतल में भी बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आभासी बोला है, तो आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है उत्तल में, आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब केवल उत्तल में बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बोलता, आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल हो जाता। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग आभासी और बड़ा बोलता तो अवतल, आभासी और छोटा बोला है तो उत्तल, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आप लोग याद रख लीजिएगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है उत्तल दर्पण में, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। तो चाकू से काटा जा सकता है वह होता है सोडियम, सोडियम को सोडियम हो जाएगा, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r बाई टू, और r बराबर यहाँ पे 40 दिया हुआ है और 40 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। और यह भी क्वेश्चन 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना से क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या होता है, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, और जो विरंजक चूर्ण है इसका आप लोग बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है मालूम है आप लोगों को, तो आप लोग बताइए जल्दी से। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वह HCl होता है, और जो जल का रासायनिक सूत्र है इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र का कमेंट बॉक्स में बतलाना है क्या होता है। तो यही था दोस्तों आज के टॉप 20 MCQ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ANM GNM के लिए स्पेशल क्लास हो रहा है, स्पेशल क्लास हो रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।